से इसको सेट नहीं कर सकते हो। मतलब कि जब माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल हम यूज करते हैं तो जब इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा उस सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक्सेल की सेटिंग्स के, वो ऐसा हम चेंज करते हैं क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ लेते हैं उसको अपने वर्क इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अगर एग्जाम्पल कि आपने एक सेलफोन परचेज किया तो उसकी भी सेटिंग सारे डिफ़ॉल्ट होती है कंपनी के द्वारा, लेकिन उसको अपने हिसाब से हम मैनुअली सेट करते हैं। उसके जो रिंग टोन है, उसका जो बाकी चीज़ें हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक्सेल है कि अगर हम एक्सेल को चेंज करते हैं, एक्सेल की सेटिंग को अगर चेंज करते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। तो सेटिंग आज की जो टॉपिक है, सेटिंग है हमारे पास। तो हम ए ऑफिस जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन, एक्सेल ऑप्शन आती है, एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये सारे आपके, ये है आपके जो कैटेगरी है, जैसे पॉपुलर है, फॉर्मूला है, प्रूफिंग है, एडवांस है, कस्टमाइज है, एडिंस है, ये सारी चीज़ें। तो हम पॉपुलर पे जाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे दिखता है अनेबल लाइव प्रीव्यू, मतलब कि अगर आप किसी एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अगर कोई भी कलर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लाइव प्रीव्यू। ठीक है, लाइव प्रीव्यू दिखता है। तो लाइव प्रीव्यू अगर एक कहीं सिस्टम में आपको नहीं दिख रहा है या आप चाहते हो आपकी ये दिखे, तो उस केस में आप क्या करो, एक्सेल ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे क्लिक, अगर ये क्लिक है इस पर, अगर क्लिक है इसका मतलब क्या है कि इस पर आपका कर सकते हो, अगर क्लिक नहीं है तो नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। दूसरा आता है शो डेवलपर टैब इन द रिव्यू। आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक डेवलपर टैब है। आप लोगों के सिस्टम में डिफॉल्ट डेवलपर टैब नहीं आता है। आप चाहते हो कि आपका डिफॉल्ट डेवलपर टैब दिखे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद हम एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे और एक्सेल ऑप्शन में शो डेवलपर टैब इन द रिवन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं आपको आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि डेवलपर टैब क्यों चाहिए? बेसिकली डेवलप, आपका जो लेवल 2 की ट्रेनिंग है, जो VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग है, सारा डेवलपर टाइप से ही हैंडल होगा। जिसमें विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है, या फिर अगर सीट पे बटन्स वगैरह चाहिए होता है तो ये बटन्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम कल की क्लास में एक चीज़ बताई थी आपको कि हम किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसकी स्क्रीन टिप्स हमें दिखती है। स्क्रीन टिप्स क्या होता है कि जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं ना किसी का, तो ये तो स्क्रीन टिप्स हटा देते हैं ताकि वो इसको यूज करके तुक्का ना मार सके। ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ हम जाते हैं किस पे, डोंट शो स्क्रीन टिप्स। ये स्क्रीन से आपको नहीं दिखेगी। थी थेम कलर है ब्लू, सिल्वर, ब्लैक। अगर मैंने ब्लैक कर दिया तो ब्लैक हो जाएगा पूरा। हेलो, कौन सेंटर? ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे। तो जैसे हम ब्लैक कर दिया ना, थीम कलर पूरा ब्लैक हो जाएगा हमारा, ब्लैक हो गया। तीसरा कि आप थीम चेंज कर सकते, हर किसी की जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी। अब बारी आती है एडिट कस्टम लिस्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखते हैं हम, मान लीजिए मैं लिख दिया पुनीत, पुनीत लिखा, इसको सेलेक्ट किए और नीचे तक ड्रैग कर दिया, कुछ नहीं आया। लेकिन जब हम जनवरी को लिखते हैं, लेकिन जब ड्रैग करते हैं तो जैन फ़ेब मार्च आता है। अगर मैं, मान लीजिए मैं इसका क्या बोलते हैं, संडे लिखता हूँ, ड्रैग करता हूँ, संडे मंडे आता है। तो मैं इसी तरह से क्या है कि मेरा नेम, मेरे टीम के नेम है, टीम के 15-20 नाम है। अब 15-20 नाम को मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने पड़ते हैं, एवरी टाइम मुझे कॉपी कॉपी पेस्ट करने पड़ते हैं उसको। मैं चाहता हूँ कि हर बार मुझे कॉपी पेस्ट करने ना पड़े और जैसे मैं ड्रैग करूँ अपने आप आ जाए, किसी एक नाम लिखूँ ड्रैग करूँ, फिर बार बार संडे मंडे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जैन फेब कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मैं एक लिस्ट, खुद के लिस्ट, कस्टम लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ।
यहाँ ऑफिस बटन में एक्सेल ऑप्शन पे आएंगे। एक्सेल ऑप्शन यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देंगे, जैसे कि यहाँ पे देते हैं हम नेम रवि, मयंक, नीरज, कविता, रवि, कविता है ऊपर, पुनीत, इंदर, योगेश। आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट ही की मैंने। योगेश, ओम। और इसको मैंने ऐड किया, तो ऐड हो गया एंड ओके किया, एंड ओके किया। और फिर मैं यहाँ पे मान लो किसी रवि का नाम लिखा, रवि का नाम लिख के नीचे ड्रैग करता हूँ, तो देखिए ये बाकी शेप अपने आप आ जाएगा। अब जरूरी नहीं कि रवि ही लूँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ इंदर, मैंने इंदर लिखा, इंदर लिख के जैसे इंदर को ड्रैग करेंगे तो इंदर से नेक्स्ट कंटिन्यू आ जाएगा। हाँ, ऐसे मुझे अगर सिटी लिस्ट बनाना है किसी की, तो हम क्या करेंगे, एक्सेल ऑप्शन में आएंगे, एडिट कस्टम लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सिटी लिस्ट जो है वैसे मैंने दे दिया पुणे, दिल्ली, नोएडा, कानपुर, नागपुर। हेलो, हाँ जी, कौन सा काम नहीं कर रहा है? तो आपको मैंने बोला था ना एक्सेल ऑन करके फिर करने, ये एक्सेल के जहाँ पे आपको जिस पे कर्सर दिलाना है वो एक्टिवेट होना चाहिए, जिस सीट पे आपको कर्सर लेके जाना है। हाँ, तो एंटर में क्या डाल, तो टाइटल डालो ना, एंटर एंटर लिखो क्या सिर्फ? हाँ, तो इन्वर्टर कौन दोनों को डाले हो? चलेगा चलेगा। अभी कहाँ हो तुम? अभी ऑफिस में हो? कनेक्ट मत करो, मेल करो मुझे, वो कोड मेल करो। तो वीवीए पे एंटर कर रहा था तो वहां भी एंटर करेगा वो, जब वीवीए स्क्रीन पे एंटर कर रहा था ना वो, आप इससे पहले फोन किया था आपने बोला था कि वीवीए स्क्रीन पे एंटर कर रहा है, होम पे एक्सेल ऑप्शन। अरे तो एक्सेल पे भी एंटर करेगा। अब एक आप जो रन कैसे करते हो, आप क्या ऐसे रन करो बता, आपको आपको रन डेवलपर में माइक्रोज में जाके माइक्रोज से रन करो, वीवीए स्क्रीन से रन मत करो, एक्सेल स्क्रीन से रन करो। तो बट बटन पे जब क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद रेंज A1 पे क्लिक करवाते हो, कोडिंग मेल करो मुझे। हाँ, ठीक है, तो पुणे, दिल्ली, नोएडा, कानपुर हम ऐसे डाल दिए। ऐसे में यहाँ पे डाल भी सकते हैं, अगर किसी सेल पे पहले से टाइप किया हुआ है उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ इंपोर्ट। हाँ हाँ किसी और जो भी सीट है उसी पे ऐड कर दीजिए एंड ओके, ये लिस्ट में आ जाएगा। अब किसी भी फाइल में आपको अगर सिटी लिस्ट चाहिए तो आपको कॉपी पेस्ट करने या मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक पहला शीट डाल दीजिए जिसके जैन पे आप डालते हो और नीचे ड्रैग कर दीजिए। अच्छा, इसमें अगर सीक्वेंस हमने दिल्ली से शुरू की है वहाँ पर, हाँ, और यहाँ पुणे लिख दिया तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो पुणे से कंटिन्यू स्टार्ट, जैसे आप फाइव से स्टार्ट, और जैसे आप यहाँ पे संडे से कर, मतलब फ्राइडे से किया था क्या आता है, फ्राइडे का संडे थोड़ी आता है, सैटरडे आएगा ना, उसकी आगे की कंटिन्यूटी फिर वो फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर एक्सेल 2013 आप यूज कर रहे हो या फिर 10 यूज कर रहे हो तो ये फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये फंक्शन आपको मिलेगा एक्स, यहाँ पे मैंने कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ,
निकल गया था ना, ये मिलेगा आपको एक्सेल ऑप्शन के अंदर में, एडवांस में, फाइल के अंदर एक्सेल ऑप्शन, ये आपको एडवांस मिलेगा। हाँ दोनों एक सेम है, और इसका यूज हम लोग फिल्टर वगैरह में करते हैं। सर एक बात समझ नहीं पाया, 2007 में कहाँ पर से निकला? 2007 में सामने एक्सेल, दोनों एक्सेल ऑप्शन पे ही है, लेकिन सामने पॉपुलर में दिख जाएगा, लेकिन 2013 में वो चेंज हो गया, वो चला एडवांस में चला। तो यहाँ पे अभी चीज हो गया, समझ में आ गई? अब जैसे कि जब भी हम नया फाइल लेते हैं, अभी चीज हम चेंज कर रहे हैं, एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन सेटिंग में क्या होता है ना कि आप जो चेंज कर दोगे ओवरऑल फाइल, ओवरऑल जितना एप्लीकेशन का सेट हो जाता है, तो अब ये फीचर हम सिर्फ बुक वन में नहीं, किसी भी फाइल में इसको यूज कर सकते हैं। हमने मेमोरी में डाल दिया। हाँ, जैसे हम कंट्रोल एन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? कैलिब्री। लेकिन जरूरी नहीं हम कैलिब्री ले, अलग अलग फॉन्ट लेते हैं, कोई एरियल लेता है, कोई कुछ और लेता है, कुछ और लेता है, टाइम्स रोमन लेते हैं। तो हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो फॉन्ट लेता हूँ हमेशा वो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट बन जाए, डिफॉल्ट फॉन्ट बन के आ जाए। एक्सेल ऑप्शन के अंदर में आपका ये दिखता है कहाँ पे? पॉपुलर में, यहाँ यूज दिस फॉन्ट। जो फॉन्ट हम सेट करेंगे वही फॉन्ट हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट होगा। और पता है इस एक सिंपल कमांड से मैंने एक टेंडर लिया था, इसका यूपी के सिंचाई बोर्ड, सिंचाई विभाग का, सिंचाई विभाग, सिंचाई बोर्ड का ना, पता नहीं उसका लिया था, क्या हुआ था, NIT ने और हमने दोनों ने बीट किया था प्राइस, हम दोनों का प्राइस ट्राई हो गया, सेम प्राइस जीती, एक्सेल दिखाना था। अब उसके डायरेक्टर ने बुलाया हम दोनों को, बुलाया भाई तुम, आपका प्राइस ट्राई हो गया, कोई एक छोड़ दो या हम दूसरा चीज़ें निकालते हैं। तो बुलाया कि हम लोग, हमने बोला मैं कल छोड़ो, उन्होंने कल छोड़ो, फिर डायरेक्टर ने बोला कि एक काम करते हैं, आप अपने बेस्ट ट्रेनर भेजिए और आप दोनों अपने बेस्ट ट्रेनर भेजिए, उसमें से हम ट्रेनर से एक सवाल पूछा जाएगा, जो सवाल कर देगा उसको दे देंगे, उसको टेंडर दे देंगे एक्सेल के ऊपर। मेरा ठीक है, मैं हूँ, उसने भेजा। तो उनके स्टाफ में बुलाया, बोला कि आपके पास एक्सेल की सबसे हैवी प्रॉब्लम क्या है जो आपको परेशान करती है, इनसे पूछो। तो उसने बोला कि सर प्रॉब्लम यही है कि हम लोग हिंदी में हिंदी यूज करते हैं, हमारा 95% काम हिंदी में होता है, और प्रॉब्लम ये है कि बाय डिफॉल्ट हर बार मुझे एक एक सेल में जाके हिंदी फॉन्ट चूज करने होते हैं, और फिर इसमें हिंदी लिखना पड़ता है। हाँ चैलेंज आ रहा था। अब प्रॉब्लम ये मान लो कि अगर एक मान लो टेबल बना रहे हैं, ऐसे अटेंडेंस टेबल बना रहे हैं या कोई भी टेबल बना रहे हो, बेसिकली वहाँ पे होता क्या था, एक्सेल में वो टेबल्स बनते थे, जो फॉर्म होते ना, फॉर्म्स बनते थे उनके, तो एक्सेल पे इसलिए बनाते थे क्योंकि वो लोगों को इसे बोर्डर्स वोडर लेने में आसानी होती थी कि बोर्डर उठा लिया इतना जल्दी। अब ये चीज़ वर्ड में डिफिकल्ट होता है, तो वो करते थे। तो मैंने क्या किया कि मैं पहले बोला कि आप उनको तैयार करने के लिए, तो उसने क्या किया कि आप एक सिंपल है, आप एक काम करो, इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से फॉन्ट यूज कर लो, चेंज कर लो, पूरा सीटर फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। इन्होंने ये सुझाव दिया, तो बोला कि फिर हर सीट में ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता डिफॉल्ट हो जाए हमेशा के लिए हर फाइल के लिए, बोला कि नहीं ऐसा नहीं, आपको हर सीट पे करना ही पड़ेगा, आप कॉपी पेस्ट कर लो हर जीट पे जाए, कॉपी करके पेस्ट मार लो, पेस्ट हो जाए, फॉर्मेट कर लो, चल दिया। फिर मेरी बारी आई, मैं बोला कि सिंपल सा है, आप एक्सेल ऑप्शन पे जाओ, एक्सेल ऑप्शन में यहाँ मिला, यहाँ पे जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, फॉन्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ही नहीं, हाँ फॉन्ट नहीं, फॉन्ट की साइज सेट कर लो, व्यू सेट कर लो, और आपके नंबर ऑफ शीट जितने चाहिए वो शीट सेलेक्ट कर लो, कि आपको तीन शीट चाहिए, चार चाहिए, पांच चाहिए, एक सही है, मोर ऑर लेस डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं ये, हाँ जो उसको सेट करके रख लो और आपको हमेशा वही यूज हो जाएगा, हमेशा वही यूज हो जाएगा। उसने देखा, बोला कि तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसने उसके काम पे करके देखा, फिर दो फाइल दो सिस्टम पे करके देखा, एक फाइल पे किया, एक सिस्टम पे देखा, फिर पांच सात नया पुराना ओपन सब फाइल खुला, बोला कि जब पहले पुराने फॉन्ट चेंज है वो चेंज तो नहीं हो जाएंगे? उसने बोला कि नहीं, जो पहले से जितने अप्लाई है वो सब चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? वो तो बन चुका है, जो बन चुका है वो क्यों चेंज हो जाएगा? तो जो उसके बोला चेंज हो जाएगा, बोला कि नहीं। तो फिर मैंने उसे ट्राई किया, डन मिल गया मुझे। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो सारे,
व्यू, नॉर्मल व्यू पेज ब्रेक व्यू चाहिए, कौन सा व्यू चाहिए, व्यू सेट कर सकते हो या नंबर ऑफ सीट सेट कर सकते हो। दूसरा आता है यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है कि ये ऑथर इसको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर फाइल पे जैसे कर्सर रखते हो ना, बताता है इसका ऑथर कि इस फाइल को किसने क्रिएट किया। जो भी एक्सेल फाइल आपके पास है, अब मैं कोई एक्सेल फाइल ओपन करता जाइए, क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में आइए, इसमें इसका ये दिखेगा ऑथर, यहाँ पे ऑथर किस ने लास्ट सेव किया। हाँ नहीं नहीं सृष्टि ने क्रिएट किया है ना, देखिए सृष्टि ने क्रिएट किया है, ठीक है। अगर इसकी हम इस पे जाएं, सेव करता है उसी को क्रिएटर बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, अच्छा। क्रिएटर यहाँ पर होता है। अगर हम इसकी इस पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे जाएं तो लास्ट सेव्ड बाय यहाँ पे दिखा जाता है, डिटेल्स लास्ट सेव्ड बाय ये आया, समझे। सृष्टि ने अपने सिस्टम में किया, उसके बाद इसने दोबारा चेंज नहीं हुआ। अब जैसे हमारे पास शेयर्ड फाइल होती है जो कोई भी खोल सकता है शेयर्ड ड्राइव से, तो सपोज वो फाइल मैंने क्रिएट की, हाँ तो आप सर ने अपने यहाँ से खोली नेक्स्ट डे और उसमें कुछ चेंजेस करके सेव कर दिया, हाँ, तो ऑथर वाली फाइल में मेरा नाम आएगा या इनका आएगा? ऑथर आप आएगा, लास्ट से भाई आएगा। अच्छा ऑथर मैं ही रहूंगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेके चलें कि फर्स्ट जिसने बनाया दैट विल बी द ऑथर एंड द रीसेंट पर्सन हैज सेव्ड दैट इज द लास्ट सेव्ड, लास्ट सेव्ड, ठीक है। तो जब फाइल क्रिएट होती है, फर्स्ट टाइम फाइल सेव होती है, तो उस समय ऑथर नेम डिक्लेयर किया जाता है, उससे पता चलता है कि फाइल को किसने क्रिएट किया है। बट कई जैसे अब आपने सुजीत लिखा हुआ है, बट ये हो सकता है पहले कुछ क्या लिखा था इसमें, जब ये कोई नया सिस्टम होता है तो क्या लिखा होता है? दो वो आपकी जो लॉगिन आईडी होती है ना, लॉगिन आईडी होता है बाय डिफॉल्ट, तो आप अपने हिसाब से एक्सेल ऑप्शन में चेंज कर सकते हो। हमारे को तो मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो ऑफिस में बेसिकली हमें बहुत ज़रूरी चीज़ है पता लगाने के लिए कि एरर किसने करी थी। तो हमें ये पता लगता है कि द पर्सन हु हैज मेड इट, सो दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डिड दैट, मतलब द पर्सन हु हैज सेव्ड दैट फाइल ही इज ओनली लास्ट फॉर इट, दैट पर्सन कुड बी द कल्प्रिट, द कल्प्रिट, और उसके ऊपर आगे आ जाता है वो। अब वो रिव्यूअर जैसे चेक कर रहा है, हाँ मैंने बनाया था और सर ने रिव्यू किया, तो अब उसमें हो गया सर ने चेंजेस कर दिए, तो इस चीज से पता लग सकता है कि मैंने बनाया था तो मेरी ही गलती। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम बनाते हैं ना, तो उसकी ओरिजिनल फाइल पे नहीं काम करते हैं, उसकी कॉपी पे काम करते हैं। ये भी ठीक समझे। मेरे पास भी जब मेरे पास भी कोई डेटा आता है, आपका कुछ कितने रिपोर्ट आया, किसी के बसोई वाली रिपोर्ट होती है, बसोई वर्ड आप लोग यूज करते हैं हम लोग ऑफिस में, तो क्या होता है कि मेरे पास आती है कि सुजीत तो देख लो क्या है गड़बड़ आ रही रिपोर्ट्स में, तो मैं उसी रिपोर्ट पे देख ही रखता हूँ, मैं उसकी एक कॉपी रख देता हूँ, चाहे मेल भी है, मेल आया हुआ है तो सही है, अगर सेटअप उठाया मेरा है तो मेरे पर हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेयर ड्राइव से उठाया तो जस्ट उसकी कॉपी डेस्कटॉप पे पेस्ट किया, उसको सही हाँ। किया, उस पर काम किया, उसको सेव कर दिया, सेव करके देन वो फाइल में उसको दिया, मैं देखो ये ऐसी फाइल है, आपको लगता है ठीक है ओके बात है, अगर ठीक नहीं है तो इसको हटाओ, अपना ओरिजिनल है ऊपर हुआ आपके सिस्टम पे। तो हम कभी भी, आप भी कभी भी किसी की ओरिजिनल फाइल को छेड़खानी मत कीजिएगा, वरना ब्लेम तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बस उसकी जस्ट जाइए कॉपी लीजिए, कॉपी डेस्कटॉप पे कर लीजिए, बाद में डिलीट कर दीजिए, ताकि आप कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सको, फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं कॉपी, मेन कॉपी को। तो जब भी आप किसी के फाइल रिपोर्ट में देखो तो जस्ट कॉपी क्रिएट कर लो, ये मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, अच्छी बात बताई आपने, ठीक है। क्या इस पे फोल्डर पे? हाँ जी, वो लिस्ट में लेंगे इसको, ये है जैसे, तो यहाँ साइज के पास में अगर हम राइट क्लिक करके अगर उसमें कॉलम ऐड कर दें ऑथर तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। हाँ नहीं कुछ तो था, ये तो 7 ही है ना? नहीं ये विंडो 8 है। अच्छा यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे साइड है, यहाँ पे सिर्फ ऑथर ही नहीं, जैसे इसे इसमें अच्छी और उड़ जाते हैं, जैसे आपको फाइल की सर्चिंग भी समझिए, आपको कोई फाइल सर्च करना होता है तो कैसे सर्च करते हो, फाइल नेम से, फाइल नेम से या फिर लास्ट सेव बाय, इस तरीके से नहीं, लास्ट सेव बाय का सर्च करते हो। सर्च करने के लिए मैं जैसे सपोज मेरे को फोल्डर पता है और बहुत सारी फाइल है, तो मैं डेट मॉडिफाइड से भी कर लेता हूँ उसको सर्च, ऐसे भी कर लेता हूँ। अगर मान लो कि एक साल पहले की फाइल आपको ढूंढनी है, हाँ, तो हम सर्च में जाएंगे। अगर आपने फाइल को ओपन नहीं, फाइल का नाम नहीं जानते हो, याद नहीं है, तो कैसे कैसे सर्च करोगे, एक एक फाइल को खोल के देखोगे, अंदाज लगाओगे, फिर ओपन करके देखोगे, ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो मैं बच्चों को सलाह क्या देता हूँ, जब भी आप फाइल क्रिएट करते हो,
जब भी फाइल क्रिएट करते हो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल, एक तरफ फाइल हमने क्रिएट कर दी, एक होता है कि इंपॉर्टेंट फाइल है, रिपोर्ट्स फाइल इंपॉर्टेंट फाइल है, तो उसके लिए हम इसकी इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं। जैसे टाइटल, जैसे हमें यहाँ पे जैन की फाइल है तो मैंने दे दिया टेस्ट फाइल ऑफ जैन, ठीक है ना। सब्जेक्ट दे दिया कि दिस इज टेस्ट फाइल फाइल फॉर क्लास 9 to 10 जो भी है, एट ने दे दिया। अब टैग्स, टैग क्या होता है? सर्चिंग, हाँ जैसे हमने वीवीए डाल दिया, मैंने यहाँ पे एक्सेल डाल दिया, सेमी कोलन था माफ कीजिए, एक टैग हो गया मैंने एक्सेल डाल दिया, दूसरा टैग हो गया मैंने यहाँ पे मैक्रोज डाल दिया। हाँ नहीं नहीं क्लिक कर रहा हूँ, हाँ टैब से भी कर लो, नहीं टैब से हमने कीवर्ड डाल दिया। जैसे आपके बॉस के लिए बना रहे हो तो आपने डाल दिया रविंदर, ठीक है ना। और फिर इस कमेंट्स कैटेगरी कमेंट्स जो चाहिए है सब फिल कर दो, देन अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दिया। एक बार मैं फोल्डर रिफ्रेश करता हूँ, दूसरे पहले थिंग जैसे फिर कर्सर जाएगा, दिख रहा है एक मिनट, यहाँ पे आता है ना क्या अभी, आ गया ना, एक तो यहीं पे आपको दिख जा रहा है, दिख जा रहा है ना। दूसरा अगर आपने सर्च किया, सर्च करते हुए हमें यहाँ पे डाल दिया वी वी ए, ये याद है कि ये फाइल थी किस चीज से रिलेटेड, बस ये तो याद रहेगा। क्यों नहीं आ रहा है? इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक्सेल, ये नहीं आज आ जाता है सर्चिंग में, ये भी आपको जैन है ना, ये भी आ जाएगा आपको। इस पे जो भी आप लिखोगे टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट देते हैं टेस्ट, टी टेस्ट, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, आ जाता है ये जी जा माई सभी रवे करते हैं ना यहाँ पे टेस्ट, क्या जाता है, आ जाता है, ठीक है वो सर्चिंग में आ जाएगा, आप देखिएगा आ जाएगा सर्चिंग में, हाँ जिसमें वो जिस टाइटल में टेस्ट लिखा है वो सब चीज़ आ जाएगा, वो सब चीज़ आ जाते हैं जनरली, आ जाते हैं हम सर्च करते हैं प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टीज के अंदर हमने प्रॉपर्टीज की डिटेल्स के अंदर जाके एडिट कर दिया। एक तो आके आपको फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको खोलने की जरूरत नहीं, जस्ट कर्सर रखते ही इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, ये आपका टाइम बचा। दूसरा आप जो कीवर्ड डाल रहे हो या जो भी टेस्ट फाइल या जैन फैम जो भी आप टाइटल वाइटल डालते हो उससे भी फाइल को सर्च कर सकते हो, सर्चिंग में आ जाएगा। ठीक है हेलो, ठीक है देखता हूँ, ऑथर नेम तो सर्च नहीं करेगा, सबसे सर्च कर लेता, सर्च सबसे कर लेता, कभी करता है कभी नहीं करता, वो सेटिंग होती है विंडो की, आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। तो आप जो अपने ऑफिस में इसको यूज करते थे। और दूसरा कि आप अपने फाइल की एक लिस्ट मेंटेन करो, आपके सिस्टम में कितने फाइल हैं, कहाँ कहाँ सेव है, उसकी एक लिस्ट मेंटेन करो। वो कैसे होगी? बस मैनुअल होगा, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया डेट हो गया, यहाँ पे फाइल नेम हो गया, फिर यहाँ पे फाइल फोर किसके लिए बनाया आपने, किसके कब बनाया, किसको भेजा, जो फाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसकी एक लिस्ट बना लो, और फाइल कहाँ पे सेव है उसकी डाल लो, ये सर्चिंग पाथ डाल दी, इससे क्या होगा हाइपरलिंक लगा दो तो यहाँ पे ले जाएगा, तो उसमें उससे फ़ायदा क्या होगा? इससे दो फायदे, एक फ़ायदा हुआ कि आपको कभी भी फाइल कितना भी पुराना फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं हो, आपको मिल जाएगा। दूसरा अगर आप छुट्टी पे रहते हो तो वो छुट्टी पे रहते हो आपकी जगह पे कोई काम आपके सिस्टम में कर रहा है तो आपको बार बार फोन करके परेशान नहीं करेगा भले भाई पुराना फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, मिल जाएगा। तीसरा फायदा होगा कि जब आप रिजाइन दोगे तो आपको हैंड ओवर देने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, हैंड ओवर शीट ले ले, तीन फायदे हैं, ठीक है। तो उसको आप अभी से मेंटेन करना शुरू कर दो, आज से कर दो, हैबिट बन जाओ उसको।
ठीक है ना, पुराने हैं डेली पुराने 10-15 फाइल करो, अभी से जो फाइल बनाओ उसको डालते जाओ, पुराने 10 पीस करते जाओ, उसे क्या होगा, दो फाइल आ गए, जो फाइलें फालतू में पड़े वो भी छट जाएंगे तुम्हारे। हाइपरलिंक फॉर्मूला है और सब चीज़ है, हाइपरलिंक होता है उसके, अब अगर है फॉर्मूले हैं उसके, भी तरीके हैं उसके, चिंता मत करो, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट हम वापस चलते हैं अपने एक्सेल सेटिंग में, एक्सेल सेटिंग में वापस में आते हैं इस पे फॉर्मूले पे, फॉर्मूला फॉर्मूला में एक तो होता है आपके यहाँ पे R1 C1 रेफरेंस टाइप, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिख रहा है आपको, ठीक है, ये R1 C1 रेफरेंस टाइप, जब इस पर क्लिक कर देते A1 होता था, अभी क्या है R1 मतलब रो ऑन रो 1 एंड कॉलम 1। अगर आप किसी के लिंक देते हैं, जैसे मैं लिंक कर दिया यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, A1 नहीं, यहाँ पे देखिएगा R-1 C-5, मतलब कि जहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है उससे एक रो ऊपर और 5 कॉलम पीछे। ये चीज समझ में आएगा कब, जब आप यूज करोगे ऑफसेट फॉर्मूला और आप यूज करोगे एक्सेल के अंदर ऑफसेट कमांड और BVA के अंदर, तो चीज़ समझ में आ जाएगी, फिलहाल भूल जाओ इसको। एक छोटी सी चीज़, जब हम एडवांस बेस पे आप जैसे कह रहे हैं यूज करेंगे तो यही चलेगा या फिर जैसे A3 और S2 इस तरीके के जो चलते हैं? दोनों चीज़ें हैं, समझाऊंगा मैं आपको, वो चीज़ समझाऊंगा। इसको बोलते हैं R1 सीवर रेफरेंस स्टाइल, तो उसमें क्या होता है कि हाँ मैट्रिक्स वाला जो मैट्रिक्स यूज होता है ना, वो मैट्रिक्स वाला हो जाता है, उसमें क्या होता है ना कि इसमें ए भी नंबर में होते हैं, ए भी नंबर में होते हैं, और वहाँ पर कोई एड्रेस नहीं होता है। एड्रेस पकड़ना हो तो आर पहला रो पहला रो कॉलम पहला, इस तरह से एड्रेस मेंटेन होता है। तो इंडेक्स फॉर्मूला वगैरह सिखाऊंगा ना, तो चीज़ समझ में आ जाएगी आपको ये कि इसका बेनिफिट क्या है। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसमें जो यूज होगा कोई ऐसा पर्टिकुलर है कि यही यूज होगा या वो यूज होगा या दोनों यूज, मेथड है जिससे समझने के लिए। अच्छा अच्छा, सिर्फ मेथड है, दोनों मेथड है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि जैसे हमने चेक नंबर लिखते हैं, तो चेक नंबर में क्या होता है कि हम 00 डालते हैं ना, 00 यहाँ पर 0 एक्सेप्ट नहीं करता, तो कैसे क्या करते हो 0 एक्सेप्ट करने के लिए, एक सिंगल कोड लगा दो। लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे एक क्या देखोगे, एक ग्रीन कलर का ये आ रहा है ना, ये क्या होता है, ये एरर अलर्ट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि बता रहा है कि नंबर इज स्टोर एज ए टेक्स्ट, अगर इसको कन्वर्ट टू नंबर करोगे तो 0 हटा के नंबर में कन्वर्ट कर देगा, इसको करना है तो इग्नोर एरर कर दीजिए, इग्नोर कर देगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हो कि मेरे पूरे सिस्टम इस तरह का दिखे ही ना, तो उसके लिए आप एक्सेल ऑप्शन पे आइए, और एक्सेल ऑप्शन में आपके पास इसमें फॉर्मूले के अंदर में यहाँ पे होता है अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, इसको हटा दीजिए, नहीं दिखेगा। लेकिन किसी और को भेजिएगा मेल, उसके पहले उसके सिस्टम में अगर ऑन है तो दिखेगा, क्योंकि यह सेटिंग किसकी है, एप्लीकेशन की है। लेकिन आप इग्नोर एरर कर दोगे तो वहाँ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने फाइल के अंदर चेंजिंग की है। बट इग्नोर एरर में वो इनेबल वहीं पे रहेगा। हाँ। बट अगर इनेबल को डिसेबल कर देते, इनेबल को हटा देते हैं, तो वो हर फाइल के लिए काम करेगा। हाँ। वो आपने उसकी मेमोरी में डाल दिया। हाँ। ठीक है, ये चीज हम करते हैं। दूसरा बात आती है प्रूफिंग की, जैसे कि आपके पास बड़े बड़े वर्ड होते हैं ना, जैसे कि MR या फिर मंथली सेल्स रिपोर्ट MSR, तो आप उसे शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो। आप क्या है कि बार बार ऐसे बहुत सारे सेंटेंस या वर्ड आप हमेशा यूज करते हो, बार बार आपको टाइप करने पड़ते हैं टाइटल में या किसी और चीज़ में, तो उस केस में आप चाहो तो अपने लिए उसके शॉर्टकट्स बना सकते हो। कैसे, एक्सेल ऑप्शन में प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन आता है, इसमें जैसे मैं डाल दिया MSR, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मंथ एक कन्वर्ट हो जाए मंथली सेल्स रिपोर्ट ऑफ, ठीक है, इसको ऐड कर दिया हमने इसको एंड ओके। अब मैं एक्सेल किसी भी फाइल पे जाऊंगा, MSR डाल के स्पेस मारूंगा, ये मंथली सेल्स रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो, कहाँ पे, एक्सेल ऑप्शन के प्रूफ, यहाँ पे प्रूफिंग के ऑटो करेक्ट। एक ऑप्शन और भी होता है हमारे पास, वो जैसे कि आप लोग कोई इंटरनेट का पासवर्ड अगर लिखते हो, जैसे www.google.com, एंटर मारते ही क्या हो जाता है, ये हाइपरलिंक आ जाता है, अपने आप लिख जाता है। ऐसे ईमेल आईडी या कुछ और डालते हो, इसका भी हो जाता है, हेलो हो जाता है ना।
लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, क्योंकि जब डेटाबेस बनाते हैं उसे डेटा मैं किसी की इम्प्लॉय डेटाबेस बना रहे हो आप या कंपनी की डेटाबेस बना रहे हो, उसे मेल आईडी ये सब चीज़ें हैं, तो इस तरह से ब्लू ब्लू हो जाता है। एक बार उसको चेंज करने जाओ तो क्या हो जाता है, वो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो इसलिए क्लिक हो जाता है, बाब आपका आउटलुक खुल जाते हैं, दूसरे विंडो पे चला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्सेल ऑप्शन के अंदर में हमारे पास प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट पे यहाँ पे होता है, सो यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क पास विथ हाइपरलिंक, इसको अनचेक कर देते हैं, देन ओके, देन ओके, सेम इसी तरह। अब यहाँ पे देखो डबल हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम मैंने किया, एंटर मारा, हाइपरलिंक नहीं आया इसमें, आता है। तो हमने सेटिंग में चेंज की एक्सेल ऑप्शन में प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट, यहाँ पे मैंने इंटरनेट नेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, इसको अनचेक कर दिया, बाय डिफॉल्ट चेक होता है, चेक था मतलब वो इंटरनेट पाथ बना देता। आप लोग स्पेल चेक करते हैं, स्पेल चेक F7 से दबाते हो ना, यहाँ देखो क्या है, वर्ड इग्नोर वर्ड इन द अपर केस, जब स्पेल चेक चलाते हो तो वर्ड अपर केस को स्पेलिंग से बाहर रखता है, बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है, समझ गया, या ये चाहिए है तो जो चाहिए रखना है रखो, बनाओ उसको चेक कर दो, अपने हिसाब से कर सकते हो, ये करके देखना पड़ेगा अपने को। हाँ ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है और नेक्स्ट का यहाँ पे आता है हमारे पास एक्सेल ऑप्शन में, वो आता है सेव का। सबसे पहले बात जब हम कंट्रोल एस करते हैं सेव के लिए तो मेरे पास एक विंडो खुल के आता है, इसने दो चीज़ें प्रॉब्लम कर दी, पहला कि आपका बाय डिफॉल्ट हमेशा डॉक्यूमेंट आता है, हम हर फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करते, कोई लोकेशन है पास वगैरह तो बराबर आप इसको चेंज करते करना पड़ता है। दूसरा आपकी डिफॉल्ट फाइल एक्सेल वर्कबुक में सेव होती है, 93 तो हाँ तो दो चीज़ें, अगर फाइल आपने किसी ऐसे पर्सन को भेजा डॉट एक्सेलस एक्स के फॉर्मेट में सेव किया, ऐसे फॉर्म ऐसे लोगों के पास भेजा जिसके पास एक्सेल नहीं है या एक्सेल 2007 नहीं है, एक्सेल 2007 नहीं है, एक्सेल 2007 नहीं है, उसके पास 3 है या 2 है या 95 है या ओपन ऑफिस है, आपने उसको डिफॉल्ट सेव कर दिया एक्सेलस वर्कबुक में तो ओपन नहीं कर पाएगा वो, तो उसको हमेशा हमें 97 से 23 फॉर्मेट में भेजना पड़ता है। दूसरा अगर आपने मैक को वीवीए प्रोग्रामिंग वगैरह किया और उसको आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आपके पूरे के पूरे मैक्रो डिसेबल हो जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे। अच्छा, तो जब भी आप मैक्रो क्रिएट करो उस फाइल को बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मैंने मैक्रो बनाया और सेव किया तो सब चल रहा था, सेव करके जैसे क्लोज किया फिर ओपन किया तो मैक्रो दिख नहीं रहा, क्योंकि उन्हें इसने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, ये मैक्रो डिसेबल फाइल होता है सारे मैक्रो हटा देते हैं, तो मैक्रो अनेबल वर्कबुक हम सेलेक्ट करते हैं हमेशा, मैक्रो अनेबल वर्कबुक। अब जैसे मैं क्या है कि हर तीसरा फाइल मैक्रो फाइल बनाता हूँ तो अब मुझे बार बार यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, मान लो कि मैं 2-2.5 घंटे से एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, टेंशन में हो गया पूरा एकदम सही कर दिया, ओके हो गया 2-2.5 घंटे मेहनत किया और सेव कर से मैं गलती से सिलेक्ट ऑर्डिनरी सिलेक्ट था एक्सेल वर्कबुक, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दीबाजी में एंटर प्रेस कर दिया, सारे मैक्रो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो उसके लिए क्या अगर हमें चाहते हैं कि डिफॉल्ट यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही सिलेक्ट हो, नहीं नहीं 2003 में तो ऑलरेडी 2003 तो ऑलरेडी मैक्रो अनेबल फाइल होता है ना, 2007 में उन्होंने डिवाइड कर दिया दोनों को अलग अलग,
वन सेवन टेन थर्टीन में अलग कर दिया था। ठीक है, या आप तो इसमें भी सेव कर सकते हो, 90 में इसमें भी सेव करोगे, ये मैक्रो लेकर चलता है, लेकिन लेकिन अच्छा वर्जन है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होती है ना कि इसमें कुछ ऐसे मैक्रोस की कोडिंग को रिमूव कर देता है जो कि 217 में नहीं है, 213 में, 3 में नहीं है, तो इसलिए हमेशा क्या करते हैं, 97 रहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि हमेशा यहाँ पर वो चीज़ आए जो मैं चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक्सेल ऑप्शन में, और एक्सेल ऑप्शन में हमारे पास सेव के अंदर में यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, इसको सेलेक्ट कर देंगे। और दूसरा जो डिफॉल्ट सेव लोकेशन है वो अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए, मैंने ई ड्राइव दे देता हूँ यहाँ पे। ये तो आती है दिक्कत, कई बार एक बहुत सारी फाइल्स पे काम कर रहे हैं लेकिन एक ही पाथ पे सेव करनी है हमें जाके। हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे सेव करके ओके करता हूँ, जब यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा ई ड्राइव पहुंच गया और यहाँ बाय डिफॉल्ट आ गया। दिस पीसी का क्या मतलब है, माय कंप्यूटर कौन, दिस पीसी ऊपर जो एक आई, हाँ माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर में ई ड्राइव। सनम जी समझ में आया आपको? यस सर, ओके सर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपको समझ में आ गया शेप का क्या करते हैं। दूसरा हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सेल ऑप्शन में, हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे सेव पे एक आता है आपका ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवरी क्या होता है समझ में आता है आपको, पता है ऑटो रिकवरी क्या करता है? ऑटो रिकवर मतलब जब आपके फाइल ऑटोमेटिक सिस्टम बंद हो गया तो साइड में यहाँ पे आता है ना, साइड में कि आप इन फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। हाँ, आप चाहते हो लास्ट सेव, हाँ जिनको हमने शायद सेव भी नहीं किया होता। हाँ, ये सेव नहीं क्यों फाइल कहीं आता है, जो फाइल सेव होता है हाँ उसी आता है, जो सेव कर दिया तो यहाँ इस लोकेशन से डिलीट हो जाता है। तो जो फाइल आप रनिंग वर्किंग है जो जब तक सेव नहीं किया है, सेव करने के बाद जो डेटा आपका है तो ये 10 मिनट तक क्या करता है ऑटोमेटिकली एक लोकेशन में सेव करते रहता है, इस लोकेशन में एवरी टाइम 10 मिनट्स, ये कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, 10 मिनट तक मतलब काम करते करते हमने जब भी कंट्रोल एस नहीं दबाया बट ये कहीं ना कहीं पीछे सेव कर रहा है। हाँ, हर 10 मिनट पे शेड्यूल चलता है और वो निकाल देगा फाइल। नहीं नहीं, अपने आप दे देगा। नहीं नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ हम लोगों का ये सोचना है, डिपेंडेंट रहे अपने, हमारा ये सोचना है कि कहीं ना कहीं कोई जो भी फाइल पे हम काम करते हैं वो किसी और लोकेशन पे भी जाके सेव होती है। नहीं होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ ये क्या करता है कि हर 10 मिनट पे फाइल को सेव करते रहता है, हर एवरी 10 मिनट पे फाइल को सेव करता है और इस लोकेशन में सेव करता है। और लेकिन ये फाइल आपको कब मिलेगी, जब डेटा कब मिलेगा, जब फाइल आपके सिस्टम की गलती के कारण बंद होगा। हाँ, एकदम से पावर चली गई, लाइट आपका ये बंद हो गया, हैंग होके बंद हो गया, एंटैक्स हो गया। एक बार मैं ऐसे बैठा हुआ था, नीचे स्विच था तो मेरा पैर लग गया स्विच पे, पूरा सिस्टम ही बंद हो गया और मैं काम कर रहा था फाइल्स पे, 3 फाइल्स के ऊपर मैं परेशान हो गया क्योंकि वो कम से कम 3 घंटे से काम कर रहा था मैं उसके ऊपर। तो फिर मैंने जब सिस्टम ऑन किया तो मेरे को नहीं पता था आएगी, लेकिन उसने मुझे ऑटो रिकवर का ऑप्शन दे दिया तो मैंने रिकवर कर लिया वो फाइल। ठीक है, तो यहाँ से लेकिन इसकी एक वीकनेस पॉइंट ये है कि अगर आप कोई बड़ी फाइल पे काम कर रहे हो तो आपको हर 10 मिनट सिस्टम को हैंग कर देगा। 10 मिनट, हाँ क्यों, जो से अब कंट्रोल एस करते समय आपके फाइल हैंग होती है ना, अगर हैवी होती है, हैवी होती है तो मान लो कि ऐसे डंप पे काम कर रहे हो, डंप फाइल है, डंप डेटा आपका, उससे आप डेटा लेके रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो, उसको चेंजिंग, उस डंप को चेंजिंग नहीं करते, वो चेंजिंग साल में, महीने में या दिन में एक बार होती है। ठीक है ना, तो उस डंप पे आपको ऑटो रिकवर चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, ऑटोमेटिकली चलती है ऑटो रिकवर, तो उसमें क्या होता है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है हर 10 मिनट में, कुछ सेकेंड्स कुछ मिनट के लिए हैंग हो जाता है। तो आप चाहो तो आप ऑटो रिकवर से बाहर कर सकते हो किसी पर्टिकुलर फाइल को। यहाँ पे देखिए ऑटो रिकवर आ रहा है ना, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ डिसेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब बुक 3 पे ऑटो रिकवर नहीं चलेगा। हर 10 मिनट में आपका फाइल हैंग हो जा रहा है, परेशानी हो रही है आपको,
तो आप जाओ सेलेक्ट करके डिसेबल कर दो, अब ऑर्डर के ऊपर चलेगा। जो बड़ी फाइल होती है डंप मास्टर फाइल जो होती है जो 500-400 MB की होती है, हाँ हाँ उसको हटा दो। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए, ये उन चीजों पे काम करेगा जैसे हमारे पास क्या होता है 4-5 सिस्टम से एक एक्सेल के ऊपर डेटा आता है, फिर उस डेटा को कैलकुलेट करता है तो हैंग होता है, और फिर मतलब हैंग उसमें काम से कम हैंग होता है, सेव होते टाइम ज्यादा हैंग हो जाता है, हाँ। तो ये उस पे काम कर जाए सेव, नहीं नहीं सेव तो कर, आप जब कंट्रोलर्स करोगे तो हैंग तो होगा ही होगा, लेकिन जितना सेव होता है हैंग होता है ना, उतना ही हैंग आपको जब डेटा रिकवर करता है उसमें भी होता है। हाँ, डेटा रिकवर करता है उसमें तब भी हैंग होता है, होता है ना, हाँ। तो उस केस में चल जाएगा। ठीक है, अब आ रही है एडवांस, ये तभी काम आएगा जब सिस्टम किसी और वजह से बंद हो जाता। फिर आता है एडवांस, एडवांस में कुछ फीचर्स हैं जो कि छोटे मोटे फीचर्स हैं और मोस्ट फीचर तंग करने वाली है, जैसे कि डाउन, हम यहाँ पे डाउन की जगह में राइट लगा दिया, मैं एंटर जब प्रेस करोगे तो कर्सर डाउन में जाता है, हम यहाँ पे राइट लगा दिया, अब वो एंटर मारेगा तो राइट में जाएगा, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। कई बार हमें ऐसे काम करना होता है तो हम वो टैब लेते हैं या कुछ और एरो की यूज करते हैं, अच्छा ऑप्शन है, आप लीव कर सकते हो या फिर किसी से खुलना चाहे तो उसको आगे शिफ्ट कर दो जाएगा सिस्टम में। दूसरा यहाँ ये होगी, दूसरा यहाँ पे आती है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट टू डेसिमल पॉइंट, जैसे कि मान लो कि आपके पूरे सीट पे डेसिमल प्लेसेस को ऐड करनी है तो आपको एरिया सेलेक्ट करके डेसिमल प्लेसेस पे अप्लाई करना पड़ता है ना, ओके हाँ। मान लीजिए ना, मैं ये डेसिमल बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे 50% लिखना है तो 50% का सिंबल करूँगा, अगर मैंने 50 लिख दिया फिर परसेंटेज अप्लाई किया तो होगा परसेंटेज अप्लाई, नहीं होगा ना, जब 2-0 आ जाते हैं ये मल्टीप्लाई 100 होते हैं क्योंकि हम इसको फिर कम करते हैं, हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल ऑप्शन पे गया, एडवांस पे गया, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली इंसर्टेड डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अब मैं 50 लिखूंगा तो 50 नहीं टाइप होगा, 0.5 होगा, दो डाला ना इसलिए, एक डालूंगा डिवाइड बाई 10 होगा, ठीक है। अब इस पे परसेंटेज अप्लाई कर दो, ठीक, हटा दो ना चेंज हो जाएगा, आप पता चलेगा 100 लिख रहा है वहाँ पे 10 लिखा, 10.10 लिखा रहा है, तो किसी को परेशान करने वाली चीज़ें अधिकतर एडवांस पे यहाँ से, बट इन्हें बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ चीज़ें और ख़राब भी करते हैं, हाँ, जैसे जैन लिखा मैंने, जनवरी लिख के हम ड्रैग कर देते हो ना, अब ए ड्रैग डाउन जो है ना ये इसको डिसेबल करना चाहते हो आप, ड्रॉप डाउन ना बना, ड्रैग पार्ट हो ही ना, ड्रैग हो ही ना, जो प्लस का निशान बन के आता है ना इस तरह से ब्लैक वाला, वो बने ही ना, तो एक्सेल ऑप्शन में जाओ और एडवांस पे जाओ और यहाँ पे आपका था एनेबल फिल हैंडल एंड से ड्रैग ड्रॉप, दिख रहा है ना, एनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको सेलेक्ट कर दो, इसको आपने डिसेबल कर दिया, हाँ देखो अब है ही नहीं रहा पॉइंट ओपन, बेसिकली क्या होता है कभी कभी हमारी फॉर्म ड्रैग करने से हमारी फॉर्मेटिंग वगैरह बिगड़ जाती है, अच्छा, उस केस तो में किसी और को अगर पढ़ा रहे हैं या कुछ फॉर्म से, हाँ डिसेबल कर दे, यहाँ पर एनेबल कर देते हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हर चीज़ सीखने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूज नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ पे सो फार्मूला, यहाँ पे देखिए कि 3-4 फाइल ओपन है ना, है यहाँ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे सो और इन विंडो टास्क बार कर दूँ तो यहाँ पे एक भी फाइल नहीं, एक ही फाइल दिखेगा बस, वो हाइड होगी, हाँ नहीं दिखेगी, ऑल टैब में भी नहीं आएगा, फंक्शन है ना इसमें, अगर हाँ अगर दूसरे फाइल में चले गया, अगर दूसरे फाइल में मूव करना है तो स्विच विंडो से जा सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा फिर, तो इसका यूज़ कब करते थे जब हम, मैं ख्याल करता था जब हम प्रैक्टिस करते थे, जब मुझे सीख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैनेजर पी जाए बोलते यार क्या फालतू काम करो, जो काम दिया वो काम करो ना, तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, यहाँ चलते थे, वो यहाँ देखता था एक ही फाइल खुली उसके पास, तो बस एक ही फाइल जो काम कर रहा है, एक्सेल ऑप्शन में एडवांस में यहाँ सो विंडोज ऑल इन द टास्क बार क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे दिखेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे अब दिख जाएगा ना फाइल, जैसे मान लो कुछ वो कुछ आगे काम किया, मैंने उससे प्रॉब्लम हो गया, आपने उससे पूछा, उससे उसने अल टैब देखा, पता चला कि 3-4 फाइल आपने एक्सेल के फालतू में खोल लगी है, बोले इतने फालतू फाइल क्यों खोल लगी हो तुम एक्सेल के, ये काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है।
ठीक है, तो उसको छुपाने के लिए यूज कर सकते हो आप। उस तरह से एडवांस में आगे बढ़े हम यहाँ पे, तो एडवांस में हमारे पास फार्मूला बार, और फार्मूला बार नहीं देखना चाहते हो तो फार्मूला बार हटा दो, फार्मूला बार नहीं दिखेगा आपको। स्क्रीन बड़ा हो गया ना, बड़ा स्क्रीन हो गया। कोई शॉर्ट की भी है इसकी जिससे फार्मूला बार चला जाता है, क्योंकि कई बार काम करते करते चला काम करते करते मेरा एक बार में से रिकवर करना तो मुझसे नहीं होगा। आपने इस पे रिव्यू पे क्लिक करना था, एक बार की जगह आपने दो बार क्लिक कर दिया एक साथ, दो बार एंटर पड़ गया वहां पर। पता नहीं सर, मैं बेसिकली कीबोर्ड यूज किए मुझे 6 साल हो गए। पहले तो मैं बहुत कीबोर्ड यूज करता था, बहुत ज्यादा कीबोर्ड, माउस तो बिल्कुल छूता ही नहीं था। नया पीस माउस होता था नया ही रहता था, उसमें उंगली की दाग भी नहीं जाती थी मेरी। लेकिन जब से ट्रेनिंग स्टार्ट किया तब से नहीं, क्योंकि मैं अगर मैं आप माउस कीबोर्ड से यूज करूंगा तो आप सर क्या 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 किया, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये तरह से यहाँ पे फंक्शन टिप्स वगैरह है, यहाँ पे बाकी एलिमेंट वगैरह सब चीज़ें हैं। सो हॉरिजॉन्टल बार, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिख रहे हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रहे हैं, सीट के नेम दिख रहे हैं, वो यहाँ से आप हटा सकते हो। पर्टिकुलर सीट में पेज ब्रेक हुआ, ग्रिड लाइन हुआ, ग्रिड लाइन में कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो। ग्रिड लाइन लाइनिंग होती है ना, इसको इसको हटाना हो, इसको हटाना हो तो एक तो यहाँ से भी हटा सकते हो आप। हाँ, पेज लेआउट में जाओ, यहाँ से हटा दो, व्यू ग्रिड लाइन हटा दो। ये वाइट कैसे करते हैं पूरे पेज को, ये ग्रिड लाइंस को व्यू ऑन व्यू कर दो। ओहो, ये तो ये मैं सोच रहा था कहीं तो। ठीक है, कुछ पेज कर दो तो जो सिलेक्टेड पार्ट होगा बाकी को कर देंगे। नहीं 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 नहीं, अगर आपको नहीं, अगर जैसे यहाँ पर काम किया बाकी सारे पोर्शन को मैं वाइट करना चाहता हूँ, मतलब कि जो सिलेक्टेड एरिया का वाइट करना चाहते हो ना, जो आपने सिलेक्ट किया है ना, अरे उसकी कलर कलर वाइट कर दो ना, इसको वाइट नहीं करना, बाकी पोर्शन को करना है। इसमें मैंने काम कर दिया, हाँ, तो रिमेन दिखाना चाहता हूं, तो इसको इसमें डेटा है, इसमें डेटा है, चार्ट है कुछ ऐसा, हाँ, इसमें बॉर्डर अप्लाई कर दो ना। हाँ, आप पूरे से व्यू हटा दो, व्यू में जाओ, इसकी इसकी ग्रिड लाइन हटा दो यहाँ पे। ठीक है, ग्रिड लाइन तो आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप रो एंड कॉलम की लिमिटेशन पता करो कि भाई यहाँ तक ये कॉलम है, यहाँ से ये कॉलम है, इसको अपने हिसाब से हटा भी सकते हो। ऊपर यहाँ से जो प्रिंट है, ए जो है ए बी सी डी है लिखा हुआ, इसको भी हटा सकते हो। ये सब चीज़ें कहाँ से आप कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप एक्सेल ऑप्शन में एडवांस में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको, एक बार पढ़िएगा एक एक केयरफुली होकर। लेकिन फिर कस्टमाइज की बात हम करते हैं, कस्टमाइज में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मेनू में मिल नहीं रहे, ठीक है, तो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। जैसे ऑल ऑल कमांड कर दिया तो सारे मेनू बार यहाँ पे दिख जाएंगे। वैसे आपको बार बार क्या करना पड़ता है, ऑल बॉर्डर अप्लाई करना पड़ता है, तो ऑल बॉर्डर, हाँ, ऑल बॉर्डर्स आपको बार बार अप्लाई करने पड़ते हैं हमेशा। हाँ, यहाँ पे जो भी ऑल बॉर्डर दिखे उसको ऐड कर लो, नहीं नहीं बताता तुम्हें, ऑल बॉर्डर गया, हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड हो गया। अब ये चीजें ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर दो वहाँ पे, अंडू और सेव कर दिया। हाँ, और उसके लिए इसका शॉर्टकट भी है, अल्ट प्रेस करोगे ऊपर 4 आ रहा है तो अल्ट 4 इसका शॉर्टकट बन गया। तो ऐसे जो मोस्ट कंट्रोल एस है ना, वैसे ऑल्ट करेंगे तो ऑल्ट 1 या जो ये तो कंट्रोल ऑल्ट के लिए कंट्रोल एस है, अंडर विंडो के लिए भी है, जिनके शॉर्टकट नहीं है इनको हटा के इनके जगह पे डाल दो। यस, अगर हमने ग्रिड पहले ले लिया तो 1 ग्रिड के लिए हो जाएगा। हां, हां, सीक्वेंस नंबर आ जाएगा तो आपको क्रिएट करने का कस्टम के जरिए, यहां पे आपको खुद क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डाउट? लेकिन अगर हम बात करें 2013 में, तो 2013 का हमारे पास कुछ अलग ही है। यहाँ पे आप कस्टमाइज रिबन है,
यहाँ पे अपने मर्जी से कोई रिबन ला सकते हो, हटा सकते हो। आप बोलते हो कि मैं होम के हमें पेज लेआउट जो है ना और रिव्यू दोनों यूज ही नहीं करता हूँ, व्यू तीनों यूज नहीं करता हूँ। तो मैं यहाँ से व्यू हटा दिया, रिव्यू हटा दिया और इंसर्ट हटा दिया। ठीक है, यहाँ या दो ये चीज़ आप ला सकते हो, हटा सकते हो अपने यहाँ से। कहाँ से? कस्टमाइज रिबन में। 2007 में नहीं है, रहेगा फिक्स है। यहाँ पे एक कमांड एक और बना सकते हो आप। हेलो, चेंज कर लो, नहीं ये ट्यून सही है। हाँ हाँ वो अब कोई बात नहीं, दोबारा नेट नेट दोबारा ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन जा रहे हो यहाँ पे आप। हाँ नेट नेट दोबारा कनेक्ट कर लो ना। ठीक है, दोबारा निकाल के डाउनलोड दोबारा लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने खुद के मेनू बार क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे कि आप जो जितने कमांड यूज करते हो उसका आपने लिस्ट बना लिया कि इतने कमांड यूज करता हूँ। फिर यहाँ पे जाइए और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए, न्यू टैब, इस टैब को रिनेम कीजिए। हेलो, बोल रहा हूँ। किसकी? हाँ हाँ देते हैं। हाँ पवन जी, मैं आपको आधे घंटे में फ़ोन करता हूँ, मैं क्लास में हूँ। क्लास के बाद मैं इसी नंबर पर कॉल बैक करूँ? ओके सर। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ऑल, इसमें कोई मेनू बार वगैरह चाहिए तो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अपने खुद के मेनू बार क्रिएट कर सकते हो आप, जैसे ऑलरेडी क्रिएटेड है एक मेनू बार और आ जाएगा। हाँ, तो मैंने एक ऑल नाम के मेनू बार क्रिएट कर दिया, न्यू टैब ले लिया, इसका नाम दे दिया, इसको रीनेम कर देता हूँ ऑल के नाम से। ठीक है, अब इसमें ग्रुप्स आए, ग्रुप भी अपने हिसाब से होते हैं। जैसे ग्रुप होता है ना यहाँ पे, जैसे ये देखिए क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, ऐसे इसका ग्रुप है, ऐसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। हाँ, उसके बाद जो मेनू बार आप रखना है आपको, वो मेनू बार यहाँ पे रखते, जो आपको ऑप्शंस रखने हैं सेलेक्ट करके आप इंसर्ट करते चले जाइए। तो ये उसमें काम आ सकता है जो कमांड हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, तो वो ऑल में डाल दिया। लेकिन क्योंकि आप कभी इंसर्ट में जाना पड़ता है, कभी डेटा में जाना पड़ता है, तो जो भी आप मेनू यूज करते हो उसको एक ही में डाल दो एंड ओके कर दो। आप देखोगे यहाँ पे ऑल नाम का एक नया कमांड आ गया। बट ये बाकी जो बाय डिफॉल्ट है उनको तो नहीं वो करेगा, मतलब वो वहां रहेंगे। हेलो, जैसे होम के अंदर फॉर्मेट प्रिंटर है तो वो वहां तो है ही है, यहां भी आ गया। आपने अपने लिए बना लिया, अपने लिए बना लिया, ये मैनुअल है। तो कैसे बनाओगे? अब मैं दोबारा बताता हूं, कस्टमाइज रिबन में जाइए। मैं इसको एक बार ऑल कहां गया मेरे पास, हां ऑल, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। रिमूव कर दिया मैंने, यहां पे न्यू टैब पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट करके पहले तो इसको रीनेम कर दिया मैंने, ऑल डाल दिया। ठीक है, ऑल कर दिया। उसके बाद यहां पे ग्रुप्स जो भी ग्रुप्स यहां से ले लो, या फिर आप जो है यहाँ क्लिक करोगे ना, यहाँ पे कस्टम टाइम ग्रुप्स आ जाएंगे, तो और जितने भी ग्रुप्स हैं ना सारे ग्रुप्स है यहाँ पे आ जाएंगे। एक मिनट, कस्टम टैब बना हुआ है यहाँ पे, मेनू बार गया ना, ऑल कमांड्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ऑल कमांड्स आ गए, और यहाँ पे फाइल टैब, फाइल टैब में जो चीज़ें हैं वो दिख जाएगी, मेन कमांड मेन टैब से दिख गया आपको। हाँ, मेन टैब से क्लिप बोर्ड, आपको हम क्लिप बोर्ड लेना चाहता हूँ, मैं इंसर्ट का सिर्फ पिवट लेना टेबल लेना चाहता हूँ, पिवट टेबल के लिए, और चार्ट लेना चाहता हूँ। मुझे पेज लेआउट में कुछ नहीं, पेज लेआउट से कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, फॉर्मूला बार से मुझे जो है फंक्शंस लाइब्रेरी पंगलों से कुछ नहीं चाहिए होता है। मुझे डेटा मेनू बार से मुझे चाहिए होता है सिर्फ शॉर्ट एंड फिल्टर और डेटा टूल्स। ठीक है, व्यू में रिव्यू से कुछ नहीं चाहिए होता है, व्यू से जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है मैक्रोज, और डेवलपर से मुझे चाहिए होता है कोड, और कुछ नहीं चाहिए होता है। हमने सारा लेके डाल दिया एंड ओके कर दिया। ऑल टैब पे देखिए, ये सारा मेनू बार क्लिप बोर्ड का पार्ट आ गया, पिवट टेबल का पार्ट आ गया, चार्ट का पार्ट आ गया, शॉर्ट एंड फिल्टर आ गया, टेक्स्ट कॉलम में डेटा फिल वगैरह आ गया, कंसोलिडेटर वगैरह आ गया, और उसके बाद आपके यहाँ पे माइक्रो आ गया। मोस्टली हम इतना ही काम करते हैं। सर, मुझे यहाँ पर ये बनाने के बाद एकदम से रियलाइज होता है कि दो चीजें मैं अगर मेरे को ऐड करनी था। हाँ, तो ऐड कर दो, एक्सेल ऑप्शन पे गए, 13 में है लेकिन, हाँ कस्टमाइज रिबन पे जाओ, और यहाँ पे किस में ऐड करना है, एक नेट न्यू ग्रुप बना के ऐड करना है तो सिलेक्ट करो, ऐड करो। हाँ,
ऑल में ही ग्रुप बनाने पड़ेंगे ना, जैसे पता है ग्रुप होते हैं, जैसे ये देखो एक टेबल का ग्रुप है, तो ऐसे मैंने एक ऑप्शन ग्रुप में जाते हैं, ठीक है ना। तो जो चाहिए, जैसे आपने देखा आपने कुछ चीज़ें छूट गई है, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉट इन मेनू कमांड करता हूँ, यहाँ पे कमांड इन द रिवन, रिवन में कमांड नहीं है। ओ एक आता है सेल स्पीक का, ऐसी है जैसे कि कैमरा, आपने कैमरा ऐड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे स्पीक, स्पीक सेल, पता है स्पीक सेल क्या करता है? स्पीक एंटर लेते हैं, बाकी सब स्पीक ही है। मतलब एंटर करते हुए आवाज आएगी। हाँ जैसे कि ये देखो मैं बस निकाल।